गुड इवनिंग टू ऑल माई ट्विंसल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? तो गाइज, आप लोगों को तो पता ही होगा कि आज फुल मून है, तो अगर फुल मून की वजह से आपकी एनर्जी इम्बालेंस्ड हो गई है, आपकी पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड आपकी हर इमोशन ट्रिगर होकर सरफेस में आ रही है एंड उसके साथ साथ आपकी हार्ट चक्रा में पेन, आपकी थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं एंड ऊपर से आपका जो पर्सन है ना, उनकी बहुत याद भी आ रही है, तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अपने आप को संभालना बड़ी मुश्किल सी हो जाती है, राइट? बट इसका एक ही सोल्यूशन है जो आपको उस सिचुएशन से यूँ बाहर निकाल देती है, और वो है मेडिटेशन। यस गाइस, आज की वीडियो एक गाइडेड मेडिटेशन है आप सभी के लिए। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप इस फुल मून में इस मेडिटेशन को ज़रूर कीजिए, ठीक है? एंड इस मेडिटेशन को करने के बाद आप खुद ही देखोगे कि ये आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव है, ठीक है? तो इस मेडिटेशन को आप छत पे करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है? क्योंकि मेडिटेशन करने के वक्त चांद की जो रोशनी होती है ना, वो अगर आपकी शरीर पर पड़ती है तो ये ऑटोमेटिक आपकी हीलिंग शुरू कर देती है, ओके? बट अगर आप छत पे नहीं जा पाएंगे, आप इस मेडिटेशन को कहीं पर भी बैठ के या फिर लेट के कर सकते हैं, ठीक है? बट ध्यान रखिए कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ओके? तो आपको बस मेरी आवाज़ पर फोकस करना है और मैं जो भी बोलूँगी उसे अच्छे से विजुअलाइज करना है, ओके? तो सबसे पहले आपको अपनी दोनों आँखों को बंद कर लेना है एंड आपकी माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उन्हें साइड करके आपको सिर्फ मेरी आवाज़ पर फोकस करना है, ठीक है? एंड अब आपको एक लंबा गहरा सांस लेना है, ओके? और सांस को छोड़ते हुए आपको नंबर 3 को 3 टाइम्स विजुअलाइज करना है, ओके? अब एक और लंबा गहरा सांस लेना है एंड सांस को छोड़ते हुए नंबर 2 को 3 टाइम्स विजुअलाइज करना है, ओके? अब एक और लंबा और गहरा सांस लेना है और सांस को छोड़ते हुए नंबर 1 को 3 टाइम्स विजुअलाइज करना है, ओके? अब आप फील कीजिए कि आपकी हार्ट चक्रा से एक पावरफुल एनर्जी निकल रही है जो एक पावरफुल वाइट लाइट की तरह है, ओके? एंड वही लाइट आपका सोल है, ओके? एंड आपकी सोल से जुड़ गए हैं, आपकी सोल से आप कनेक्टेड हो गए हैं, आप बस फील कीजिए उस एनर्जी को, ठीक है? अब आपकी जो सोल है आपको आपकी 5D कॉन्शियसनेस में ले जा रही है, ओके? और अब आप एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जो एक ब्यूटीफुल सा सी बीच है, ओके? एंड वहाँ पर फुल मून भी आई हुई है, ओके? एंड उस समंदर की लहरें इतनी खूबसूरत दिख रही हैं कि आप उन लहरों को देख के बहुत खुश एंड बहुत एक्साइटेड भी हो गए हैं, ओके? आप उस नेचर को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उन नज़ारा जो है उन्हें आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? बट सडनली आपकी जो हार्ट है ना, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रही है कि आपको आपकी खुद की हार्ट बीट सुनाई दे रही है, ठीक है? एंड आपको ये समझ में नहीं आ रही कि आपके साथ ये क्या हो रही है, ओके? एंड अचानक से आपकी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों धड़क रही है, ये आपको समझ में नहीं आ रही, बट आपकी जो सोल है ना, वो कुछ फील कर रही है इस वक्त, ओके? अब आपकी सोल एक ऐसी खुशबू को स्मेल कर रही है जो खुशबू आपकी सोल ही पहचानती है, ठीक है? इस खुशबू के साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता है, ओके? एंड इस खुशबू को स्मेल करते हुए आपको याद आ रही है कि ये जो खुशबू है, ये तो आपका पर्सन का ही स्मेल है, ठीक है? एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो यहीं कहीं है,
वो आपके आसपास है, ठीक है, और आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है उस खुशबू को स्मेल करके, ओके, और आपकी आंखें आपकी पर्सन को ही ढूंढ रहे हैं वहाँ, ओके, और आप पीछे मुड़कर देखें उससे पहले कोई पीछे से आके आपकी कंधे पर उनका हाथ थाम लिया है, ओके, और आप पूरा चौंक गए हो, और जैसे ही आप उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़ते हो तो आप पूरा शॉक हो गए हैं, ओके, क्योंकि वो जो पर्सन है ना वो कोई और नहीं है, वो आपका ट्विन है, ओके, और आप उन्हें देख के इतना एक्साइटेड हो गए हैं कि आपकी जो पैर है ना वो अब ज़मीन पर नहीं रही है, अब वो आपको उनकी गले से लगा लिए हैं और आप भी उनको आपकी गले से लगा लिया है, ओके, आप उस मोमेंट को फील कीजिए कि उनकी बाहों में आपको कैसा फील हो रहा है, जस्ट फील इट, ये सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ सिर्फ आप ही है और आपका पर्सन है, ओके, ओके, अगर आपको रोना आ रही है तो रो लीजिए, खुशी फील हो रही है तो उस पल को अच्छे से महसूस कीजिए, ओके, क्योंकि वहाँ सिर्फ आप ही है और आपका पर्सन है, आप दोनों के बीच बस प्यार ही प्यार है, ठीक है, अब आपका जो पर्सन है आपके हाथ को उनके हाथ में थाम के उसी बीच में एक अच्छा सा प्लेस पर ले जा रहे हैं, ठीक है, और वहीं आप दोनों एक दूसरे के सामने बैठ भी गए हैं, ओके, और ऊपर से मूनलाइट भी आप दोनों के ऊपर पड़ रही है एंड बस समंदर की जो लहरें हैं वो भी मूनलाइट में इतना ब्यूटीफुल लग रही है, आप दोनों उस पल को एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, उस खूबसूरत पल को आप जी रहे हैं एक दूसरे के साथ, ओके, अब आपके मन में उनको लेके कोई भी डाउट्स नहीं है, ना ही कोई एंगर है, मतलब आपका सोल एक पीस में है, ओके, तो ये जो पल है इस पल को आप दोनों एंजॉय कीजिए, ओके, आप दोनों के बीच आपके मन में जो भी सवाल है आप उन्हें इस वक्त पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके मन में कोई भी सवाल हो सकती है, चाहे वो शादी को लेके या फिर यूनियन को लेके या फिर आप दोनों के बीच लास्ट टाइम जिस चीज़ के लिए झगड़ा हुआ था उसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बट ध्यान रखिए कि आप बस एक ही सवाल पूछिए ताकि आपको आपका आंसर मिल सके, ओके, आप एक ही सवाल पूछिए जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो और उनका जो सोल है ना वो आपको इसका आंसर ज़रूर देगा और आपको ये फील भी हो जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, आप बस फील कीजिए कि वो क्या बोलना चाहते हैं, ये बस आप ही फील कर सकते हैं क्योंकि वो आप ही का सोल है, ठीक है, तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उनकी जो एनर्जी है उसे फील कीजिए कि वो किस तरह की एनर्जी है, क्या आपको हैप्पीनेस फील हो रही है या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं या फिर आपके अंदर कोई फियर भी आ रही है, मतलब आपकी जो आप जिस तरह की एनर्जी फील कर रहे हैं ना उसी में ही उनकी जवाब है, ठीक है, एंड अगर अभी तक आपको उनका साथ अच्छा लग रहा है ना तो आप समझ जाइए कि आपका आंसर यस है, ठीक है, ओके, एंड अगर आपकी फेस पर ऑटोमेटिक स्माइल आ रही है तो आप समझ जाइए कि आपको आपका सारा आंसर मिल गया है, ओके, तो अब आपको आपकी प्रेजेंट मोमेंट में आने का टाइम आ चुका है, ओके, तो आप उन्हें अगर हग करना चाहते हैं तो हग कीजिए या फिर किस करना चाहते हैं तो किस कीजिए या फिर आप जो भी करना चाहते हैं आप कीजिए क्योंकि वो आप ही का सोल है, ठीक है, ओके, अब आप अलर्ट रहिए कि आप आपकी प्रेजेंट मोमेंट में आने वाले हैं, ओके, एंड आप जिसकी आवाज़ पर फोकस्ड है ना मैं आप लोगों को इस मेडिटेशन की गहराई में ले गई थी, अब आपको याद आ गई होगी कि आप यूट्यूब में एक वीडियो देख के उस 5D में आपकी ट्विन से मिलने चले गए थे, राइट, ओके, एंड अब आप अलर्ट हो चुके हैं कि आप आपकी 3D में आने वाले हैं, ओके, अब मैं 5 से 1 तक काउंट करूँगी, आपको धीरे धीरे आपके प्रेजेंट मोमेंट में आना होगा, ओके, 5 4 3
आपकी हार्ट चक्रा पर आपको एक एनर्जी फील हो रही है, राइट? एंड टू एंड वन, ओके। अब आप अपनी फिजिकल बॉडी में आ चुके हैं, ओके, अपनी प्रेजेंट मोमेंट में आ गए हैं। अब धीरे धीरे आप अपने आंखें खोलिए और उस डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, एंड नाउ यू आर इन योर प्रेजेंट मोमेंट। सो गाइस, आई होप इस मेडिटेशन के थ्रू आपको कुछ अलग से एक्सपीरियंस मिली होगी, राइट? तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इस मेडिटेशन के थ्रू, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी थोड़ा हेल्प हो सके, ओके? तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगेन मिली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके? सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।